हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन का अगला टॉपिक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों, हम लोग मेंसुरेशन में इससे पहले प्लेन फिगर का एरिया निकाले थे। उसमें प्लेन फिगर में क्या क्या, तो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के अलग अलग टाइप यानी कि कौन कौन से, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला डिराइव किए थे जो कि था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। दूसरा हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला भी डिराइव किए थे यानी कि वो क्या था, तो b/4 इंटू √4a² - b² और उसके बाद हीरोन फार्मूला को भी हम लोग डिराइव किए थे जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि √s(s-a)(s-b)(s-c)। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है कि प्लेन फिगर में बात करें तो सर्कुलर पार्ट का, यदि कोई सर्कल हो, सर्कल का हाफ पार्ट यानी सेमी सर्कल हो, तो सर्कल का 1/4 यानी क्वाड्रेंट हो, तो और सर्कल का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि सेक्टर, सेगमेंट, ये सारे का यदि एरिया हम लोग को फाइंड करना हो तो उसका एरिया को कैलकुलेट करना, उसके लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। तो चलो हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग सर्कल की बात करें तो सर्कल में यदि उसके डायमेंशन की बात करें तो उसमें केवल एक पार्ट होता है और वो है उसका रेडियस, और उसके रेडियस से ही हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे कोई स्क्वायर है तो उसका सारा मतलब उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा। तो मतलब कि सर्कल क्या है, तो सर्कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्कल को यदि डिफाइन करना हो तो सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं, और सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसका हम लोग यदि पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर हम लोग इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, यानी कि यदि इस पॉइंट से कोई मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ से वापस उसी पॉइंट पे आता है, तो ये जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको हम लोग इस सर्कल का सर्कमफेरेंस बोलते हैं। किसी भी सर्कल में सर्कमफेरेंस यानी कि बोल सकते हैं हम लोग उसको कि किसी सर्कल का पेरीमीटर, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, और किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसका डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाई बोलते हैं। यानी कि किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस को सी बोल दें, डायमीटर को डी बोल दें, तो इसका रेशियो हमेशा पाई के इक्वल होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पाई का वैल्यू क्या है, तो 3.14 या 22/7 जनरली हम लोग लेते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, तो ये एक ग्रीक सिंबल है जिसका वैल्यू कितना है, तो अप्रॉक्स 22/7, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, या फिर उसको अप्रॉक्स में हम लोग बोल सकते हैं डेसिमल में 3.14 क्वेश्चन में, मतलब कि वो दिया हुआ होता है कि पाई का वैल्यू हम लोग को क्या लेना है, और यदि कुछ ना दिया हुआ हो तो 22/7 लेना है और उससे कैलकुलेट। ये लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर का मतलब होता है कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये रैशनल है, क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का लगभग वैल्यू है वो 22/7। यदि हम लोग पाई के वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन एक आर्यभट्ट थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो आर्यभट्ट वो इसका वैल्यू कैलकुलेट किए थे। तो चलो आर्य, और वो वैल्यू क्या था, तो उस टाइम वो वैल्यू था 62832/20002. तो अराउंड वैल्यू ये था जिसका वैल्यू अराउंड में 3.14 के अराउंड में ही आता है। इसके बाद हम लोग एक और मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन का नाम सुने हैं, वो है श्रीनिवास रामानुजम, जो कि किसी बेसिक स्कूल में भी नहीं गए थे लेकिन फिर भी मतलब कि मैथमेटिक्स में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, और हम लोग मतलब उनका नाम अभी भी लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उन्हीं का मतलब ये था। तो श्रीनिवास रामानुजम वो एक आइडेंटिटी बताए जिसके थ्रू
ये पाई का वैल्यू हम लोग मिलियन तक मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मिलियन मतलब कि डेसिमल के बाद मिलियन प्लेस तक, तो यदि डेसिमल के बाद मिलियन प्लेस का मतलब हो गया कि हम लोग जो पढ़ चुके, ये जो नंबर है वो क्या है, तो इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यदि पाई को बोला जाए तो पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन जो ये 22/7 या 3.14 तो ये तो रैशनल है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग वैल्यू है इसका। तो पाई इरेशनल नंबर और ये रैशनल है, तो चलो पाई इरेशनल है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। तो चलो यहाँ से हम लोग सर्कमफेरेंस वगैरह सब कैलकुलेट करने वाले हैं, सर्कमफेरेंस, एरिया और भी बहुत सारा चीज। तो चलो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो को हम लोग पाई बोलते हैं, यदि पाई को डिफाइन करना हो तो। तो चलो यहाँ से हम लोग सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, तो पाई इंटू डी। अच्छा डी क्या है, तो डी सर्कल के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक का डिस्टेंस, या बोल सकते हैं यदि कोई लाइन सेंटर से पास कर रहा है और वो सर्कल के किसी दो पार्ट को कट कर रहा है तो जो लेंथ होगा वो डायमीटर है। तो ये डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। तो किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस या उसका पेरीमीटर या लेंथ ऑफ उसका बाउंड्री वो क्या होता है, तो सी इज इक्वल टू 2πr। और यदि हम लोग एरिया निकालना चाहें तो किसी का भी एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला हम लोग बचपन में भी पढ़ चुके हैं। अब इससे इसके आगे का पार्ट, जिससे कि क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, वो हम लोग पढ़, ये सारा टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलो अब सर्कल के आगे का पार्ट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होगा, तो यदि हम लोग इसके आधे पार्ट को हटा दें, तो चलो ये सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल का रेडियस, इस सेमी सर्कल का सर्कल पेरीमीटर पूछा जाएगा, इसका एरिया पूछा जाएगा। तो एरिया कितना होगा किसी सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल इसका एरिया हम लोग को निकालना हो तो ये तो पहले वाले सर्कल का हाफ हो गया, तो एरिया भी उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2πr². और यदि इसका पेरीमीटर पूछा जाए, तो पेरीमीटर हाफ नहीं होता, पेरीमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है उसका बाउंड्री का लेंथ। तो यदि हम लोग इस पॉइंट से ए से लेके इधर से सर्कुलर पार्ट होता हुआ बी पॉइंट तक आएँ, तो ये सर्कमफेरेंस का हाफ है, यानी कि 2πr/2। लेकिन उसके बाद ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी तो उसके बाउंड्री में आता है, जो कि डायमीटर है, यानी कि +2 × r। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r, या फिर पाई प्लस 2 × r। ये हम लोग का हो गया किसी भी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो चलो ये याद रखना है, तो फॉर्मूला ढेर सारे होंगे, लेकिन पेरीमीटर किसी भी फिगर का निकालना हो तो बस ये याद रखना है कि पेरीमीटर यानी कि उसके बाउंड्री का लेंथ। अब उसका बाउंड्री जितना होगा वो सारे को लिखना है, जैसे कि इस फिगर में कितना दिख रहा है, तो कुछ उसका सर्कुलर पार्ट भी है और कुछ स्ट्रेट पार्ट भी है, तो दोनों को ऐड करके लिखना है। तो चलो ये था सेमी सर्कल। इसके बाद का पार्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, तो क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का 1/4 को क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि यदि इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक यदि कट कर दें तो ये जो पार्ट बन रहा है ये क्वाड्रेंट है। और इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो ये सर्कल का 1/4 है, यानी कि इसका एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और यदि इसका पेरीमीटर पूछा जाए, तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला पार्ट सर्कमफेरेंस का 1/4 हो चुका है, यानी कि 2πr/4 + r, यानी कि ये r भी तो है दो बार, तो +2r, यानी कि इसका फॉर्मूला πr/2 + 2r। तो इस तरह से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि चलो ये तो क्वाड्रेंट, इसको तो बराबर हिस्से में मतलब कि पहले हाफ कट किए थे, फिर उसके बाद उसको चार इक्वल पार्ट्स में काटे, लेकिन यदि इसको किसी दूसरे एंगल पे काटा जाए, क्योंकि अभी तक जो भी था अभी 90 डिग्री पे कट किया हुआ, इससे पहले 180 डिग्री पे था, तो यदि किसी दूसरे एंगल पे कट किया जाए तो वहाँ पे तब क्या फॉर्म होता है, तो सेक्टर फॉर्म होता है। लेकिन चलो उससे पहले उसके सारे पार्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। यदि कोई एक सर्कल है, सर्कल में ये वाला पार्ट चलो रेडियस है, और दो रेडियस
और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, इस दोनों से जो पार्ट मिलके बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेक्टर बोलते हैं। यानी कि ये वाला सेक्शन क्या है, इसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे। तो ये सेक्टर है, तो ये वाला पार्ट क्या है, तो ये भी सेक्टर है, लेकिन फ़र्क क्या है, तो ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में फ़र्क क्या है, तो माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे, तो माइनर सेक्टर का मतलब हो गया कि जिसके बीच का एंगल, दो रेडियस के बीच का एंगल यदि 180 डिग्री से कम हो तो वो माइनर सेक्टर है। यानी कि माइनर सेक्टर में जो थीटा का वैल्यू है वो लेस देन 180 है, और मोर देन 180 यानी कि वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। उसी तरह से जैसे इसका एरिया भी फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से एक और है कि यदि कोई एक सर्कल है और सर्कल में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन या कोई कॉर्ड उस सर्कल को दो पार्ट में बांटता है, तो जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम लोग सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो बड़ा वाला पार्ट है मेजर सेगमेंट। उसको डिफाइन करना हो तो बोलेंगे कि वो हिस्सा जिसमें सेंटर नहीं है तो वो वाला माइनर है, और जिस हिस्से में सेंटर है वो हम लोग का मेजर है। तो ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये सबका एरिया हम लोग को एक एक करके फाइंड करना है। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो अभी सर्कल देखें, सर्कल के बाद सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के बाद क्वाड्रेंट, ये सारे में क्या हम लोग को दिखा। तो यदि हम लोग केवल एक कंप्लीट सर्कल की बात करें, तो एक कंप्लीट सर्कल ये वाला और ये सेमी सर्कल। तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे जो दो रेडियस मिलके एंगल बना रहा है, तो ये रेडियस अपने आप में ही टोटल एंगल कितना, तो 360 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे एंगल 360 डिग्री है। यहाँ पे जो ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों मिलके कितना बना रहा है, तो वो 180 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे ये रेडियस मिलके कितना एंगल बना रहा है, तो वो 90 डिग्री बना रहा है। और वो उस एंगल पे फॉर्मूला डिपेंड करता है, जैसे कि इस वाले फॉर्मूला से हम लोग बोले तो चलो ये पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर को हम लोग 360 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री लिख सकते हैं, ये कट के तो वापस पाई आर स्क्वायर ही होगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से लिखें तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री कॉमन होगा डिनोमेटर में, और जो उसके ऊपर में न्यूमेटर में एंगल लिखेंगे वो एंगल लिखेंगे जो दोनों रेडियस के बीच का एंगल है, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया, तो 180 बाय 360 यानी कि 1/2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। और हम लोग अभी फॉर्मूला लिखे थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। उसी तरीके से इसका देखें तो बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/4 यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 4। यानी कि यहाँ पे डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, तो 180 बाय 360 यानी कि जो एंगल बन रहा है सेंटर पे डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि यदि हम लोग को कोई ऐसा फिगर मिल जाए जिसमें कि एंगल ये 90, 180, 360 के अलावा कुछ हो जिसको हम लोग सेक्टर बोलने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई एक सर्कल है, सर्कल में जो दो रेडियस हैं और उस दो रेडियस के बीच का एंगल यदि थीटा है तो डिपेंड इस थीटा पे करता है, तो यानी कि थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोग को यदि इसका पेरीमीटर निकालना हो तो वो भी इसी तरीके से थीटा पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का मतलब हो गया केवल हम लोग लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, यानी कि ये पार्ट, तो केवल लेंथ ऑफ आर की बात करें यहाँ पे, इसको छोड़ दिया जाए तो ये है 2πr/4, ये है 2πr/2 और ये है 2πr। फिर से हम लोग एंगल बोलें तो यहाँ पे बोल सकते हैं 360 by 360 इंटू 2πr यानी कि 2πr। इसको लिख सकते हैं 180 by 360 इंटू 2πr यानी कि 1/2 2πr/2। यहाँ पे लिख सकते हैं 90 by 360 इंटू 2πr यानी कि यहाँ पे भी डिपेंड करता है उसके एंगल पे, और वो किस तरीके से डिपेंड करता है, तो थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो चलो हम लोग यदि इसी फिगर में निकालना चाहें इसका
पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो ये लेंथ ऑफ आर्क यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी बोल देते हैं, यदि यहाँ पे ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी हो और ये ओ हो, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू जो टोटल सर्कमफेरेंस है यानी कि 2 पाई आर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इंटू 180 इंटू पाई आर या थीटा पाई आर बाई 180 डिग्री, तो सेम चीज़ है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी प्लस जो उसके दो रेडियस हैं ओ ए प्लस ओ बी, तो यहाँ से हम लोग इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा होगा उसी तरीके से वहाँ पे उसके एरिया या उसका पेरीमीटर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर के लिए अलग फॉर्मूला का यूज़ नहीं करने वाले हम लोग, सेम फॉर्मूला दोनों में अप्लाई करेंगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू यदि मोर देन 180 है तो वो तो मेजर है, फॉर्मूला तो सेम रहना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट ये बोल दिया जाए कि ये क्वाड्रेंट का एरिया नहीं फाइंड करके इसके अलावा जो बाकी पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है, तो अभी कितना एंगल बन रहा है 270 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, उससे हम लोग को इसका एरिया आ जाएगा। तो माइनर या मेजर हम लोग को केवल समझना है, लेकिन क्वेश्चन में जब उसका एरिया फाइंड करना हो या पेरीमीटर फाइंड करना हो तो बस जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है सेगमेंट का, तो सेगमेंट का एरिया भी हम लोग डिराइव करते हैं, लेकिन उससे पहले सर्कुलर पोर्शन में एक और चीज़ है और वो है रिंग। किसी रिंग का एरिया हम लोग को निकालना हो तो रिंग का मतलब हो गया कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं यदि, तो जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला यानी कि बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल यदि हम लोग माइनस कर दें तो ये रिंग का एरिया निकलेगा। तो रिंग का एरिया यदि ये बोल दिया जाए कि जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर है और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू जो बड़ा वाला सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला का सर्कल छोटे वाले सर्कल का एरिया यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं तो वो क्या होगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यानी कि आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये हो गया हम लोग का एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला। यदि इसके पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर में क्या करना होगा, तो ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके पेरीमीटर में चलो ये वाला पार्ट आता है और ये वाला पार्ट आता है, ये पूरे फिगर का बाउंड्री है, तो दो दो बाउंड्री यहाँ पे दिख रहा है, तो उस दोनों को ऐड करना हो, लेकिन इसके पेरीमीटर जनरली नहीं पूछे जाते, एरिया पूछा जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले हैं। तो अब चलो अब जो बचता है वो है सेगमेंट, तो सेगमेंट के एरिया को डिराइव करना, उसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो चलो ये एक सर्कल है बड़ा सा और इस सर्कल में भी एक सेंटर है, इसको ओ बोल देते हैं, और इस सेंटर से चलो कोई एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पास कर रहा है, चलो ऐसा बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला, हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है, इसी को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। यदि ये बोल दिया जाए कि यदि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसको सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो ए बी कॉर्ड जो सेगमेंट बना रहा है उस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि फिगर दिख रहा है कि ये ए और बी मिलके जो ये आर्क बन रहा है, ये आर्क सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा और उस एंगल को यदि हम लोग थीटा बोलते हैं, तो अब दिख रहा है कि चलो ये क्या है, तो ये एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यदि हम लोग इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हम लोग को ये एरिया मिलने वाला है, यानी कि अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो अब हम लोग को फाइंड करना इस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो चलो इसमें हम लोग को पता क्या है, तो इसमें बस दो चीज़ पता है, एक तो ये रेडियस कि इस सर्कल का रेडियस, दूसरा
कि इसके बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग को बस दो वैल्यू पता है, एक रेडियस आर और एक एंगल थीटा, इससे फॉर्मूला डिराइव करना है। तो चलो लिखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू जो कंप्लीट सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि फिगर में दिख रहा है, सेक्टर का नाम बोल देते हैं ओ ए, और यहाँ से चलो कोई एक पॉइंट पी बोल देते हैं, तो सेक्टर ओ ए पी बी माइनस, और उसमें से माइनस क्या करना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, तो ओ ए बी, तो इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो सेक्टर का एरिया तो हम लोग को पता है कि वो कितना होगा, तो इस सेक्टर का एरिया होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल ओ ए बी का, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को क्या चाहिए, तो अभी बताया कि उसमें हाइट और बेस चाहिए, तो चलो उस ट्रायंगल को हम लोग अलग से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो एक ट्रायंगल जिसमें कि एक साइड हम लोग को पता है रेडियस, ये भी साइड पता है रेडियस, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसके बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि चलो ये इसके बीच का एंगल यदि थीटा है, तो इस वर्टेक्स से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सामने वाले साइड पे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। क्यों बाइसेक्ट करेगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। तो चलो ये दो साइड हम लोग को फाइंड करना है, चलो इसको बोलते हैं ये हाइट है और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स बोल देते हैं। तो यदि एक्स मालूम हो जाए तो टोटल लेंथ 2x और 1/2 इंटू 2x इंटू एच से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब x और h कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो ये भी तो हम लोग को पता है ना कि ये जो एल्टीट्यूड है इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो टोटल एंगल यदि थीटा है तो ये थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल को थीटा बाय 2 बोल देते हैं। यानी कि अब हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया है जिसका एक एंगल थीटा बाय 2 है और एक साइड यानी कि उसका हाइपोटेन्यूज वो आर है, तो उससे हम लोग को बाकी दो साइड फाइंड करने हैं। और हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि कोई ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड दिया हो तो बाकी दो साइड फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ये रेडियस है और ये एंगल थीटा बाय 2 है, तो इसके लिए बेस एच हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एच बाय आर इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2 या फिर कॉस थीटा बाय 2, इसको चलो यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस क्या होता है, तो बी बाई एच होता है, और उसके लिए बी क्या है तो एच है, और उसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है तो वो आर है, तो यहाँ से एच आ जाएगा हम लोग का, यानी कि हाइट इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसी तरह से दूसरा वाला पार्ट यानी कि एक्स हम लोग को फाइंड करना है, तो उसके लिए साइन लगाना होगा, तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई जो उसका हाइपोटेन्यूज है यानी कि आर, तो यहाँ से x फाइंड हो जाएगा वो होगा r इंटू साइन थीटा बाई 2। अब तो हम लोग को पता है कि जो इस ट्रायंगल में बेस ए बी, बेस ए बी इज इक्वल टू क्या है, तो x प्लस एक्स 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी कि 2r साइन थीटा बाई 2, तो ये हम लोग का आ चुका। और दूसरा कि h इज इक्वल टू r cos थीटा बाई 2, ये क्या है, तो ये हम लोग का इस ट्रायंगल में हाइट है, तो चलो उस चीज़ को लिखते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओए बी यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि ए बी इंटू हाइट, यहाँ पे चलो उसी परपेंडिकुलर को डी लिख देते हैं यहाँ पे ओ डी, और ओ डी इज इक्वल टू क्या है, तो वो एच है, तो चलो उस चीज़ का वैल्यू लिखा जाए, तो इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू जो ए बी का लेंथ है वो है 2 आर साइन थीटा बाई 2 इंटू, और जो हम लोग का हाइट है वो है आर कॉस
थीटा बाय टू। तो ये है हम लोग का सेगमेंट का एरिया। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, तो चलो ये तो हो गया थीटा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये आर और ये आर को एक साथ लेंगे तो आर इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ऐसे तो फॉर्मूला आ चुका हम लोग का, ये 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला एक बोल सकते हैं, थीटा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 है, इस पूरे के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। और वो फॉर्मूला कौन सा है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से बोला जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 के जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, तो चलो इस पूरे के जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो चलो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये 1/2 आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इंटू इस पूरे के जगह लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। तो ये हो गया हम लोग का एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेगमेंट माइनर है या मेजर है, क्योंकि वो थीटा डिसाइड करता है कि वो माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है। तो यदि थीटा लेस देन 180 आता है तो वो माइनर सेगमेंट होगा, और मोर देन 180 आता है तो मेजर सेगमेंट होगा, और दोनों के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग के सेगमेंट के एरिया का डेरिवेशन। और यदि हम लोग को यहाँ पे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा जाए, तो उसके लिए हम लोग और भी आसान तरीका है कि चलो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं, और यदि पूरे सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेगमेंट के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज भी होते हैं, तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, बस फिगर को समझना है और वहाँ पे जो फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो इसके सारे क्वेश्चन अब बनाए जा सकते हैं। तो चलो ये तो हो गए फॉर्मूला सेक्शन, फॉर्मूला वगैरह सारे का डिराइव किया जा चुका है, अब इसके प्रैक्टिस की बात। तो अगले क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।